चारा घोटाले के दुरल्ला केस में फैसला, लालू यादव दोषी करार। 139 करोड़ की हुई थी अवैध निकासी। आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से मिली राहत, सभी धाराओं में मिली जमानत, आज हो सकती है रिहाई। ओपी राजभर की पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, वाराणसी के डीएम और पुलिस कमिश्नर पर लगाया आरोप, अरविंद राजभर ने अभद्रता पर की शिकायत। रानीपुर में मतदान के बाद हुआ हंगामा, राजनीतिक दलों का बीजेपी पर आरोप, ईवीएम से छेड़छाड़ करने का लगाया आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के डुरंडा केस में भी दोषी ठहराए गए हैं। ये मामला डुरंडा कोषागार के 139 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा है। रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। मामले में सजा का ऐलान 21 फरवरी को होगा। अगर 3 साल से कम की सजा होती है तो यहीं से लालू को जमानत मिल जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो लालू को कस्टडी में लिया जाएगा। लालू समेत इस केस में अन्य भी आरोपी थे। सीबीआई कोर्ट ने 24 को बरी किया, वहीं 36 को दोषी ठहराया। मामले में पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत को भी दोषी बनाया गया। उनको 3-3 साल की सजा हुई है। लोअर कोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो चारा घोटाले से जुड़े पिछले मामलों में लालू यादव को 3-3 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई है। वहीं हिजाब मामले पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने आयरलैंड का हवाला देकर मोदी सरकार पर हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट में लिखा कि 2019 में आयरलैंड ने पुलिस वर्दी में हिजाब और पगड़ी की इजाजत दी थी। मोदी सरकार ने फैसले को प्रवासी भारतीयों के हित में बताते हुए उनका स्वागत किया था। अगर आयरलैंड के लिए ऐतिहासिक था तो कर्नाटक के बच्चों से तकलीफ क्यों है? उनकी डिग्निटी की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में प्रचार करते हुए कहा है कि नाम समाजवादी, काम तमंचावादी, सोच परिवारवादी। मुख्यमंत्री ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि सपा का मूल उद्देश्य अपराधियों को संरक्षण देना है और केवल एक परिवार के कल्याण के बारे में सोचना है। दिन में बम विस्फोट और रात में डकैती होती थी। माफियाओं को किसी का डर नहीं था, आम आदमी की संपत्ति हड़प लेते थे। उन्होंने कहा कि अराजकता का स्तर इतना अधिक है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरते हैं। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान दंगे होते थे और महीनों तक कर्फ्यू लगाया जाता था। लेकिन इतिहास सदैव अपने आप को दोहराता है। बीच के कालखंड में इटावा, मैनपुरी और इस पास आसपास के क्षेत्रों को बदनाम करके रख दिया था। अराजकता पैदा करने वाले तत्व, राहजनी करने वाले तत्व, दंगाग्रस्त और पंचावादी तत्व सत्ता में काबिज होकर के आम जनता का जीना हराम कर दिए थे। लेकिन भाइयों बहनों, देश के सौभाग्य से नरेंद्र मोदी जैसा एक यशस्वी नेता भारत को मिला और 2014 के बाद जो सिलसिला प्रारंभ हुआ 2014, 2017, 2019 ये लगातार बीजेपी की जो सिलसिला पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का चलता रहा, आज इसका परिणाम है किसी भी परिवर्तन के लिए पूरी समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं थे कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन 2 चरणों में जनता ने उनकी गर्मी निकाल दी और अब 3रे चरण में बुंदेलखंड के लोग उन्हें ठंडा कर देंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए सपा प्रमुख बुंदेलखंड दौरे पर निकले।
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने इस दौरान झांसी के खैर इंटर कॉलेज, हमीरपुर में ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज और रहमानिया इंटर कॉलेज, मधुआ और महोबा के डाक बंगले के मैदान में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया। तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री की शक्ल देखो, आजकल देखी कि नहीं देखी शक्ल आपने? वैसे 12 तो यहां बाद में बजे, सवेरे ही 12 बज गए। रात भर उन्हें नींद नहीं आई आज, क्योंकि दूसरे चरण में वोट पड़ना था, रात भर नहीं सो पाए और सुबह ही हमारे पत्रकार साथियों को बुला लिया उन्होंने। कह रहे कि ये चुनाव 80-20 का है, 80-20 का, ये कह रहे चुनाव, ये चुनाव दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं। अगर बीजेपी के मुख्यमंत्री जी का अगर किसी ने सुना होगा आज का इंटरव्यू, उनकी शक्ल देख लेना, उनकी शक्ल पर 12 बज गए हैं। 12 बज गए कि नहीं बज गए? और जैसे ही वो सुबह उठ के अपनी शक्ल देखते हैं शीशे में, जो दिखाई देता है उसी पे चर्चा करते हैं, जो सुबह सुबह देखते हैं उसी पे चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, न केवल भविष्य का चुनाव है, उत्तर प्रदेश किस दिशा में जाए ये खुशहाली का चुनाव है, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुए तिकुनिया हिंसा कांड मामले में गिरफ्तार मंत्री अजय मिश्र ट्रेनी के बेटे आशीष मिश्र ट्रेनी को हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है। हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को सभी मामलों में जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद आशीष मिश्रा को आज जेल से रिहा किया जा सकता है। गौरतलब है कि इस मामले में आशीष मिश्रा पिछले 129 दिनों से जेल में बंद हैं। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा की जमानत के आदेश में 302 और 120 की धाराएं जोड़कर नया आदेश जारी किया है। वहीं इससे पहले अदालत ने उन्हें सभी धाराओं में जमानत नहीं दी थी, लेकिन माना यह जा रहा है कि नए आदेश के बाद आशीष मिश्रा को आज रिहा किया जा सकता है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने वाराणसी के शिवपुर से पार्टी प्रत्याशी अरविंद राजभर के नामांकन के दौरान हुई अभद्रता की चुनाव आयोग से शिकायत की है। पार्टी ने वाराणसी के डीएम और पुलिस कमिश्नर को हटाने की मांग की। राजभर की पार्टी ने निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव के लिए उचित सुरक्षा की मांग की है। सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे और शिवपुर से पार्टी के प्रत्याशी अरविंद राजभर के नामांकन के लिए वाराणसी गए थे। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में राजभर ने आरोप लगाया है कि वो और उनके वकील नामांकन के लिए शिवपुर के रिटर्निंग अफसर के कार्यालय में जा रहे थे। इसी दौरान कार्यालय के पास पहले से ही सैकड़ों लोग पुलिस की मौजूदगी में जमा थे। उनका आरोप है कि वहां मौजूदा लोग उन्हें देखते ही भद्दी भद्दी टिप्पणी करने लगे और नारेबाजी करने लगे। पार्टी का कहना है कि प्रत्याशी ने शांतिपूर्वक अपना नामांकन दाखिल किया। इस घटना की जानकारी शिवपुर के रिटर्निंग ऑफिसर को भी दी गई, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई कर पाने में असमर्थता जताई है। रानीपुर विधानसभा के रामधाम कॉलोनी पोलिंग बूथ पर मतदान के बाद हंगामा हो गया। वहीं अन्य राजनीतिक दलों ने बीजेपी पार्टी पर मिशन में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। रानीपुर विधानसभा के बीएसपी और एसपी सहित कांग्रेस प्रत्याशी ने ईवीएम से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोग और मीडिया कर्मचारियों के साथ अभद्रता भी की, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं चमोली में हृदय रोग जैसी जानलेवा बीमारी से 6 साल की छात्रा जूझ रही है। वहीं आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण छात्रा के परिजन इलाज कराने में असमर्थ हैं। छात्रा कर्णप्रयाग ब्लॉक के माठा गांव की रहने वाली है। छात्रा के पिता मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। वहीं उन्होंने मीडिया के जरिए समाज सेवियों से मदद की गुहार लगाई है, जिससे वो छात्रा का इलाज करा सके।
लक्सर के खानपुर क्षेत्र के गिधावली गांव में अजीत नाम का युवक गोली लगने से घायल हो गया। बताया तो ये जा रहा है कि कुछ युवकों की तरफ से चुनाव को लेकर हो हल्ला मचाया जा रहा था। इस बीच अजीत के वोट को लेकर युवकों से झड़प हो गई। वहीं उनकी पत्नी अंजू का आरोप है कि युवकों ने एक प्रत्याशी को वोट न देने की बात कहकर अजीत को गोली लगा दी और कई राउंड फायरिंग कर दी, जिससे एक गोली अजीत को भी लगी। वहीं गोली लगने से अजीत गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और बड़ी खबरें। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की, जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं, तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभाले। कल का मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे ऐसे मौके से थोड़ी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहाँ पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहाँ पर शराब के ठेके दे दिए। जगह नहीं, अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते हैं? हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे की डर भैया? तो अपने लूटा गैरों में कादम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जा पानी कम था। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड तिलक चावला के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। वेदांता एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता आईएएस अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं, उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र आईएएस जैसी एग्जाम की तैयारी या पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे यूपी और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta. And I just good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi. I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की? आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार। Vedanta, an exclusive IAS Institute of Dehradun, Uttarakhand. 11A Nimbuwala, opposite RIMC Main Gate, Garhi Cat, Dehradun. Mobile number 9319700579. At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The Dreamers, GLA University.
University, whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराए नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डटकर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। वहीं पौड़ी देवप्रयाग मोटर मार्ग पर सड़क हादसा हो गया है, जहां पर कार 200 मीटर खाई में जा गिरी। वहीं हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक की मौके पर ही जान चली गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायलों से मिलने के लिए पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे अस्पताल पहुंचे, घायलों का हालचाल जाना। पीलीभीत के मरौरी ब्लॉक के दियूनी बहादुरगंज में ग्राम प्रधान भागीरथ पर गांव के एक युवक ने आरोप लगाते हुए बताया कि ग्राम प्रधान ने अलीबख्श के खेत से मरघट तक सड़क निर्माण में करीब 94,000 रुपए बिना निर्माण कार्य कराए निकाल लिए हैं और इसके अलावा मोहनलाल के खेत से देवीलाल के खेत तक के सड़क निर्माण कार्य में भी करीब 74,000 रुपए बिना निर्माण कार्य के निकाल लिए। जब इस मामले की शिकायत की गई तो ग्राम प्रधान ने फर्जी तहरीर थाने में देकर मुकदमा दर्ज करा दिया। फिलहाल मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों को कर दी गई है, अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये ऐसा होगा, मैंने इसकी डिमांड बहुत डाला था, काम लेबर लगाई थी मैंने, फिर बारिश हो गया, बारिश होने बाद नेपाल बोले जो बोले नेपाल से नब्बा दो, तो मैंने नेपाल बुलाया, नेपाल आया नहीं, उसके बीच बारिश हो गई, गड्ढों पानी भर गया, तो पानी के बरसात की वजह से ये काम नहीं हो पाया। लगभग कितने पैसों का काम हुआ है, दो जगह काम कराया आपने? जैसे दो जगह कराया था, इसका तो अभी थोड़ा काम इसमें तो हुआ नहीं, मैंने कहा जो पैसा पहले आ गया है तो काम भी मैं कराऊंगा, मैंने निकाला पैसा, इसका भुगतान मैं ही करूंगा, ऐसा नहीं गांव वाले को करेंगे। कितने का काम हुआ है? जैसे ये एक तो पीछे एक सड़क आपकी है ये बनाई है आपने, इसके अलावा एक और सड़क का निर्माण कराया, कितना पैसा लगा इसमें निकला है? इसका एस्टीमेट बना था 94,000 का कुछ का है, इसका या दोनों का? उसका 74,000 का उसका है। हमने सर जो अलीबख्श खेत से लेके हमारा खेत है यहाँ से और मरघट तक इनने बिना मट्टी डारे कच्चा काम करीब पैसे निकाल लिए, और हमने जब शिकायत करी जाके वहाँ ऊपर जाके तो इनने गजला थाने में हमारी तहरीर दी आपके खिलाफ, हमारे खिलाफ। किसने पैसे निकाल दिए? भागीरथन जी खड़े प्रधान जी, प्रधान जी ने पैसे निकाल दिए जी। कुछ और भी काम कराया गाँव इसके अलावा? हाँ, इसके अलावा थोड़ा कच्चा काम और कराया, वो मोहनलाल खेत से लेके देवीराम के खेत तक, तो बीच में काम इनने अधूरा छोड़ दिया, बीच में कोई काम नहीं हुआ, आगे हुआ पीछे हुआ। तो लगभग कितना पैसा निकाला, कितने पैसे का घोटाला हुआ है इसमें? हुआ साहब जे वाला लिखा रहा है जो अलीगढ़ खेत से लेके 94,200 कुछ रुपए इनने लिखा रहा। आगरा थाना सदर क्षेत्र के देवरी रोड पर बीमा कंपनी के सहायक सेल्स मैनेजर प्रशांत सक्सेना की दबंगों ने बेसबॉल बैट से पिटाई कर दी, जिसके चलते उनके सिर पर गंभीर चोटें लगी थी। वहीं इलाज के दौरान मैनेजर की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं इनमें से एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। ग्रेटर नोएडा में एक कार में अचानक चलते चलते भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि चंद मिनटों में ही कार आग का गोला बन गई। कार ड्राइवर ने जैसे तैसे कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया।
मुजफ्फरनगर के गांव ज्ञाना माजरा में शराब के लिए रुपए देने से इनकार करने पर बेटे ने अपने बुजुर्ग और दिव्यांग पिता की डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी घर में ताला लगाकर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जी, आज मेरे फादर के साथ छोटे भाई ने मारपीट की और उनकी हत्या कर दी। हत्या कैसे की उनकी, क्या कारण था? कारण था पैसे का, पैसा मांग रहा था जबरदस्ती, पहले वो दे चुके थे, अब उनके पास था नहीं और वो आर्मी रिटायर है। आज दिनांक 14 फरवरी 2022 को ग्राम ज्ञान माजरा जो कि थाना चरतावल के अंतर्गत आता है, इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम अमरदीप बताया जा रहा है, इसने अपने पिता गुलाब सिंह जिनकी उम्र 75 वर्ष है को पीट पीट कर मार दिया है। इसमें थाना चरतावल ने क्राइम आख्या संख्या 38/2022 में 302 के अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत किया है, जिसमें अभियुक्त अमरदीप को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आगे की कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड बीजेपी भले ही अब की बार 60 पार का नारा दे रही हो, लेकिन मतगणना के ठीक बाद पार्टी के विधायक और प्रत्याशी संजय गुप्ता ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मांग की है कि मदन कौशिक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मदन ने प्रत्याशियों को हराने का काम किया, इतना ही नहीं उन्होंने गद्दार की भूमिका अदा की है। ये आरोप पार्टी के विधायक और प्रत्याशी संजय गुप्ता के हैं। इसे जानकर भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव में परिणाम के बाद दिख रही बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा है। मैं अपने पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं फख्र करता हूँ अपनी पार्टी पर, संगठन पर, अपने नेतृत्व पर कि उन्होंने लक्सर सीट पर मुझे फिर से भरोसा जताया। मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ अपने नेतृत्व को। लेकिन जो उत्तराखंड में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, वो उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है और उनके जो नामित सभासद उनके द्वारा और उनके जो नज़दीकी कार्यकर्ता थे उन्होंने बसपा प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है, मुझे हराने का काम किया है। मैं अपने नेतृत्व से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को इस ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे इस पार्टी से, वो गद्दार आदमी है, उसे पार्टी से निकाला जाना चाहिए, तब हमारे जैसे कार्यकर्ता सुरक्षित रह सकेंगे इस पार्टी में। मैं हाथ जोड़कर सी झुकाकर अपने नेतृत्व से मांग करता हूँ उसे काल पार्टी से निकाला जाए। बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।